हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरटीसी क्रिस्टल है। आरटीसी क्रिस्टल जो होता है वो एक तरह का जो है वो डेट और टाइम जो है वो अपडेट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप बोर्ड, डेस्कटॉप बोर्ड, जो कंप्यूटर का बोर्ड होता है, या मोबाइल सर्किट हो गया, उस बोर्ड के अंदर जो है जो डेट और टाइम जो अपडेट होता है वो जो होता है वो आरटीसी क्रिस्टल के ही थ्रू होता है। तो वो कैसे होता है तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि वो जो है आरटीसी क्रिस्टल जो है वो कैसे काम करता है और डेट और टाइम को कैसे अपडेट करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरटीसी क्रिस्टल, आरटीसी क्रिस्टल का जो फुल फॉर्म होता है आरटीसी का, वो रियल टाइम क्लॉक। मतलब जो है रियल टाइम क्लॉक का मतलब ये होता है कि जो करंट डेट और टाइम है उसको ये मेंटेन करके रखता है। मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो है ये डेट और टाइम को अपडेट करता रहता है। अब ये डेट और टाइम को अपडेट कैसे करता है उसके बारे में हम अगर बात करें तो ये ऐसे अपडेट करता है, जैसे कि हमारे पास एक बोर्ड है जो कंप्यूटर का बोर्ड है, लैपटॉप का बोर्ड भी ऐसे ही होता है सेम। इसमें ये कि यहाँ पे आरटीसी क्रिस्टल लगा हुआ है, ये आरटीसी क्रिस्टल है जो गोल टाइप का होता है। ठीक है, और ये आरटीसी क्रिस्टल जो है डेट और टाइम को अपडेट करता है। अब ये डेट और टाइम को अपडेट कब करता है, जब हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर 1 महीने या 10 दिन या 20 दिन बाद भी अगर हम ऑफ कर दें और 1-2 महीने बाद भी अगर उसको ऑन करते हैं तो जो हमारा डेट और टाइम जो होता है वो करंट डेट और टाइम से मैच करता है। मतलब उसका जो डेट और टाइम होता है वो बिल्कुल सही दिखाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो क्रिस्टल जो है वो जब बोर्ड ऑफ होता है तो ये क्रिस्टल जो है डेट और टाइम को अपडेट करता रहता है, मगर जब बोर्ड ऑफ होता है, कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल ऑफ होता है, तो इस क्रिस्टल को ऑन होने के लिए भी सप्लाई चाहिए। जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक ये क्रिस्टल जो है डेट और टाइम को अपडेट नहीं करेगा। तो उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक सीमोस बैटरी लगा होता है, जो सीमोस बैटरी 3 वोल्ट का बैटरी होता है। और ये बैटरी जो है वो साउथरिज चिप है एक तरह का। इस चिप के थ्रू इस आईसी को क्रिस्टल को सप्लाई मिलता है, जिससे कि ये क्रिस्टल डेट और टाइम को अपडेट करता रहता है। जब तक ये जो है क्रिस्टल, मतलब ये जो बैटरी है, जब तक ये सप्लाई साउथरिज से होते हुए इसको देता रहेगा, डेट और टाइम अपडेट होता रहेगा। जब ये बैटरी ख़राब हो जाता है 1 साल 2 साल चलने के बाद, तो कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर अगर ये बैटरी ख़राब हो जाता है तो जब भी कंप्यूटर ऑफ करते हैं, या 2 दिन या 3 दिन, या अगर हम तुरंत ऑन करके ऑफ करते हैं, तो डेट और टाइम जो हमारा प्रॉपर सही नहीं दिखाता है। इसका रीज़न ये होता है कि हमारा बैटरी जो होता है बैटरी के थ्रू जो है साउथरिज के थ्रू आरटीसी क्रिस्टल को सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से जो आरटीसी क्रिस्टल ऑन नहीं होता है और डेट और टाइम को अपडेट नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि सीमोस बैटरी ख़राब है तो डेट और टाइम नहीं हो रहा है। सीमोस बैटरी बस आरटीसी क्रिस्टल को सप्लाई देने का काम करता है। जब तक आरटीसी क्रिस्टल को सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक जो है आरटीसी क्रिस्टल डेट और टाइम को अपडेट नहीं करेगा। आरटीसी क्रिस्टल क्या होता है, ये एक तरह का सिग्नल जनरेट करता है, क्लॉक पल्स, स्टेबल क्लॉक पल्स जनरेट करने का काम करता है आरटीसी क्रिस्टल, जो डेट ऑफ टाइम को अपडेट करता रहता है। ठीक है, अगर हमारा बैटरी ख़राब हो जाए उसके वजह से सीमोस बैटरी आरटीसी क्रिस्टल ऑन नहीं हो पाएगा, और अगर आरटीसी क्रिस्टल ऑन नहीं होता है तो उससे सिस्टम लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाता है, कोई फाइल सेव नहीं होती है, अगर इंटरनेट पर कोई भी काम करते हैं, कोई भी साइट ओपन करते हैं तो वो साइट ओपन नहीं होता है, इंटरनेट प्रॉपर नहीं चलता है, कोई भी साइट ओपन नहीं होती है। ठीक है, और सिस्टम की स्लो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल स्लो हो जाता है, तो उसका रीज़न होता है आरटीसी क्रिस्टल। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साउथरिज आईसी है और ये जो है आरटीसी क्रिस्टल है। जो कंप्यूटर लैपटॉप के बोर्ड के अंदर जो है आरटीसी क्रिस्टल लगा होता है वो 32.768 किलोहर्ट्ज़ का आरटीसी क्रिस्टल लगा होता है, जो साउथरिज से अटैच होता है। साउथरिज चिप होता है जो बोर्ड के अंदर लगा होता है, वो कौन सा होता है, ये जो चिप होता है ये साउथरिज चिप होता है, इससे कनेक्ट होता है आरटीसी क्रिस्टल। और साउथरिज को जो है वो सीमोस बैटरी से, सीमोस का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये 3 वोल्ट का बैटरी होता है। इसके थ्रू जो है जब बोर्ड ऑफ होता है तो यहाँ से सीमोस बैटरी से साउथरिज को सप्लाई मिलता है, और साउथरिज जो है वो आरटीसी क्रिस्टल को सप्लाई देता है, जिससे कि आरटीसी क्रिस्टल जो है वो डेट ऑफ टाइम को अपडेट करता रहता है। ठीक है, जब बैटरी से सप्लाई नहीं मिलता है,
साउथ रिज को, तो साउथ रिज आरटीसी क्रिस्टल को सप्लाई नहीं दे पाता है, जिससे कि आरटीसी क्रिस्टल ऑफ होता है और उसके वजह से जो डेट ऑफ टाइम को अपडेट नहीं कर पाता है। और जब कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन रहता है तो साउथ रिज को तो एसएमपीएस के थ्रू इसको सप्लाई मिलता रहता है, जिससे ये डेट ऑफ टाइम अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो यही आरटीसी क्रिस्टल है जो डेट ऑफ टाइम को अपडेट करता है। ठीक है, ये जो है इस टाइप के जो है गोल टाइप का भी होता है, किसी किसी बोर्ड में ऐसा भी होता है, तो ये डेट ऑफ टाइम को अपडेट करता रहता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।